आज जीएसटेट क्लास में भारत के प्रथम पदाधिकारी को हम टॉपिक बना रहे हैं। कहा गया है दोस्तों, भाइयों और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, कि मंजिल दूर नहीं है, बस उसे पास रहना सीखा जाए। यानी कि खास करके जीएस के बिना कोई भी कंपटीशन संभव नहीं है, और जीएस को तैयारी में रखने के लिए आपको पर डे एक लिमिट से अध्ययन करते रहना होगा, और हमेशा उस प्रश्न को देखते रहें माइंड से, ताकि आपका जीएस पर पकड़ बन सके। तो आज के टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो हमको इस प्रश्न को देखना चाहिए। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद दोनों मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लोकसभा का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलंकर को मिला था, और मुख्य न्यायाधीश प्रथम जो थे वो हरिलाल जे कन्या थे, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, महिला केंद्रीय मंत्री के पद पर राजकुमारी अमृता कौर जो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे उनको बनाया गया था, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश से थे, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश से थे। ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये भारत में पहले थे, सबसे प्रथम पद प्रदान प्राप्त करने वाले इन लोग सारे लोग थे। उसमें से हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट है मेरा वित्त आयोग के अध्यक्ष जे कन्या, यानी कि केसी नियोगी को बनाया गया था वित्त आयोग के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि अस्थायी रूप में किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय गणराज्य के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मुस्लिम राष्ट्रपति के जहां तक पद की बात आती है ये थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। याद रखिए, बिना आजादी के शिक्षाएं प्राप्त नहीं की जा सकती है, अर्थात शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वो थे एम फतिमा बीबी। और भारत की पहली महिला आईपीएस लगभग सभी लोगों को पता है कि किरण बेदी जी थे। इस प्रकार से भारत की प्रथम पदाधिकारी के रूप में इतने आप लोग माइंड में रखते हैं तो लगभग क्वेश्चन पर पकड़ बन जाएगा। और कुछ लोग हैं जिनको कि आप लोग जानते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।